अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ तहमीना खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ विद तहमी खान। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाहौर में मौजूद एक 5-स्टार रेस्टोरेंट जिसका नाम अवारी है, वहाँ का रिव्यू दूंगी। और अवारी जो कि एक 5-स्टार रेस्टोरेंट है, ये मौजूद है लाहौर के माल रोड पर। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। सो लेट स्टार्ट। ये मैं मौजूद हूँ यहाँ पे व्यूअर्स माल रोड पर, और जो अवारी रेस्टोरेंट है 5-स्टार रेस्टोरेंट है और ये माल रोड पर मौजूद है। तो नाउ आई एम हेडिंग टू वर्ड्स अवारी रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे मैं अवारी पहुँच गई हूँ और ये है इसकी एंट्रेंस। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो अच्छा है। और यहाँ पे मैं एंटर हो गई थी, फाइनली अवारी रेस्टोरेंट पहुँच के जो है वो इसकी ये एंट्रेंस है जैसे कि आप देख सकते हैं, और मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। अभी मैं आपको सारा अंदर से भी विज़िट करवाती हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं होटल के अंदर। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, बेसिकली अवारी रेस्टोरेंट के अंदर 4 से 5 जो हैं वो डिफरेंट तरह के रेस्टोरेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे चाइनीज़ है, जापानीज़ है, इसके अलावा कॉन्टिनेंटल है और पाकिस्तानी है। तो ये मैं आपको सबसे पहले जिसके अंदर लेके जा रही हूँ ये है किम्स। किम्स रेस्टोरेंट है और यहाँ पर मौजूद होता है पाकिस्तानी भी और कॉन्टिनेंटल फूड भी अवेलेबल है। बड़ा एक शीक इफेक्ट है और यहाँ पे जाके आप वाकई बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। मैं यहाँ पे गई थी, मेरी बर्थडे थी, घर वालों ने बर्थडे सेलिब्रेट की थी, तो हमने सोचा हम यहाँ से जो है वो लंच बूफे करते हैं। मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ, ये 4 से 5 रेस्टोरेंट्स जो मैं आपको दिखाऊँगी, ये आपको, मैं बेसिकली गई थी संडे वाले दिन, और संडे को आपको जो है यहाँ पर ग्रैंड बूफे मिलता है। मतलब आपको वो एक बैंड दे देते हैं जो आपने अपनी रिस्ट पर लगा लेना होता है। वो मैं अभी आपको आगे चल के दिखाऊँगी जो बैंड मैंने अपनी रिस्ट पर पहना हुआ है। तो उस बैंड की वजह से आप जो यहाँ पे मौजूद 4 से 5 रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे मर्ज़ी आप लोग घूम फिर सकते हैं। अगर आप वीकडेज़ में आएंगे तो आपको जो है वो सेपरेटली रेस्टोरेंट्स का जो है वो पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तरह तरह के खाने थे, भुना हुआ गोश्त था और भुना हुआ कीमा और सिरी पाए और मच मोर, बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे आइटम्स थी। ये आप देख सकते हैं, ये सीख कबाब है, फिर सैलड्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। और ये देखिए, मैं आपको विज़िट करवा रही हूँ, तरह तरह के सैलड्स हैं, इन्जॉय करें आप वीडियो। जो लोग वेजिटेबल्स पसंद करते हैं और जो लोग मतलब देसी खाना, तो ये उस तरह से है। यहाँ पे चावल थे, बॉयल्ड राइस, इसके अलावा साग और इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन इस साइड पे जो है वो पास्ता और सिरी पाए और छोटे के पाए, बड़े के पाए, भुना हुआ कीमा, इस तरह की चीज़ें थी यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, फिश थी। उसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ यहाँ पे म्यूज़िक वाली साइड पे। ये लाइव म्यूज़िक चल रहा होता है और इन्होंने जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं ये। तो इन्होंने गाना भी हमारे लिए वो गाया था एक, तो पहले नाम पूछा था एंड देन गाना गाया था, तो खैर बड़ा मज़ा आया था। तो फ्रेंड्स, मैं वहाँ पे मतलब हम लोग गाना शाना सुन के जो है वो ऊपर चले गए थे। ऊपर जो है वो जापानीज़ रेस्टोरेंट मौजूद है और फूजियामा, तो वहाँ पे हमने जो है वो जापानीज़ फूड इंजॉय किया था। नाउ वी पीपल आर हेडिंग टूवर्ड्स फूजियामा और दैट्स जापानीज़ रेस्टोरेंट। तो ये यहाँ पे मैं अब एंटर हो रही हूँ, बड़ा खूबसूरत है। इसकी बिल्कुल बाहर जो सारी ग्लास की वॉल है और बाहर एक स्विमिंग पूल का इफेक्ट है, बहुत अच्छा लगता है, आप रियली इंजॉय करते हैं।
जापानीज़ फूड में यहाँ पे जो है था इनके बूफे में ये चिकन टेम्पोरा था, ठीक है। उसके बाद ये यकी करके कोई एक डिश थी, हमारे पाकिस्तान में तो यकी को पता नहीं क्या समझा जाता है, खैर। तो यहाँ पे यकी की एक डिश थी, इसके अलावा और भी डिशेस थी, ये आप देख सकते हैं। तो स्टेयर फ्राइड पता नहीं आगे क्या था, जल्दी में मैंने आगे कर दिया। तो ये साथ में गार्लिक राइस थे, तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमने ली थी। तो आपका अपना एक टेस्ट है, हर शख्स का अपना एक टेस्ट होता है, जैसे भी आप लोग इन्जॉय करना चाहें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गार्लिक राइस जो है इसको मैंने टेस्ट किया था, अच्छे थे, मज़े के थे। लेकिन चूंकि हम लोग पाकिस्तानी ज़रा मिर्च मसाले ज़्यादा खाने वाले होते हैं, तो जापानीज़ ज़रा थोड़ा इतना मुझे कोई ख़ास इसका टेस्ट नहीं लगा। ऑन सीरियस नोट, बाकी आप लोग का अपना है, हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। हाँ, जो चिकन टेम्पोरा था वो मुझे बहुत पसंद आया, और सॉस जो है वो इसके ऊपर मैंने सीजनिंग विद सॉस, तो मैंने उसको सीजन किया था, तो बड़ा अच्छा लगा था, मज़ा आया था। सो दिस इज़ द बैंड जो कि आपको दिया जाता है लंच बूफे के लिए। ये बैंड आपके पास हो तो आपको 3-4 जितने भी रेस्टोरेंट्स है उसमें आसानी से जाने दिया जाता है, अदरवाइज़ अगर आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको सेपरेटली पे करना पड़ता है। तो वैसे भी इनका ये देखें, बाहर जो है स्विमिंग पूल है, बड़ा अच्छा था। अच्छा, नेक्स्ट जो इनका, पहले हम किम्स में गए थे, फिर हम दूसरे में गए थे जापानीज़ में, अब हम आ गए थे मुगल में, ठीक है। यहाँ पे भी तरह तरह के थे खाने, ये बैंगन थे यहाँ पे, और ये कबाब थे, और डिफरेंट तरह के यहाँ पे जो है वो खाने रखे हुए थे, ये देखिएगा। नेक्स्ट एंड द फोर्थ वन इज डायनेस्टी, और ये डायनेस्टी में चाइनीज़ खाने होते हैं, ये सूप था। और फिर सबसे जो मज़े की चीज़ वो मुझे जो लगी थी वो थे प्रॉन्स और स्प्रिंग रोल्स थे। इसके अलावा जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, चाइनीज़ डिशेस थी। तो चाइनीज़ फूड मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, रियली लाइक इट। ये आ गए अल्लाह के हुक्म से प्रॉन्स हमारे सामने, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और घर वाले जो है प्रॉन्स बड़े मज़े ले लेके खा रहे थे, मैंने भी बड़े शौक से खाए, और हमने वाकई इसके टेस्ट को जो है बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो मुझे रियली प्रॉन्स बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे, आई रियली इन्जॉय इट। एंड पे लाइक ऑलवेज मीठा, ठीक है। और मीठा जो है वो यहाँ पे मीठे की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात थी कि प्रेजेंटेशन जो है इनकी बड़ी खूबसूरत थी, तो तरह तरह की मीठे में डिशेस होती हैं, और पीछे से बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है, पता नहीं आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं। तो ये गुलाब जामुन, खीर और आइसक्रीम और डिज़र्ट्स तरह तरह के, फिर इसके अलावा जो है वो चाय और कॉफ़ी और कहवा, हर तरह की चीज़ जो है वो यहाँ पे अवेलेबल थी। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का माहौल था। सो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी मज़ा आया होगा, और लाजमी आप लोग जाइएगा और बताइएगा कि आपको जाकर कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें, और एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इसी तरह इंशाल्लाह मैं वीडियोस बनाती रहूँगी, और बहुत सी चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। कीप वॉचिंग, लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद द रेस्ट ऑफ द पीपल। थैंक यू सो मच।
तो जनाब यहाँ पे मैं हूँ मीठा लेते हुए, ठीक है, और एंड पे चाय मैंने इंजॉय की थी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एंजॉय योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।